Thank you.
परमेश्वर धन्यवाद हूँ। हर प्रभु
सुखिना के मंदिरों में नामु आये पुकार पुकारे रणनामु सभी पिता पुत्र पुत्रात परदेश ही परिश पिता पुत्र पुत्रात परनामु नरनामु 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 भव्य सुखिना नरनामु सभी पिता दिखाए पुण्य दाने से हम लोग दिखा अपने कुत्ते पुत्र भव्य सुखिना वक्षण नरनामु आग जो कुत्ते लोते पुत्र भव्य सुखिना निश्वास करे उदास होए बल्कि हम तो जीवन प्राप्त करे हालेलुया हालेलुया अपा बेदारी बड़े प्यार में बड़े पुत्र ये सुना से रहे अनंत जीवन रहे मुक्ति दे राज करना धन्यवाद हो प्रभु यीशु से भी आए प्रभु यार कई साल मिले और स्वर्ग में धरती दे नारी उठाई पापी और बचाने वास्ते संसार के लोगों बचाने वास्ते विक्रम का मनुख का रूप प्राप्त किया धन्यवाद हो प्रभु यीशु से दुई बने लोग कर दिया जगह को चलाया भूखे लोगों को बोलो शक्ति दे बहन को प्रसन्न शक्ति दे कुबड़ा मसीदा किया आपने दे पापियों ने पाप माफ की थी आपने दे बीमार लोगों को शिवा दी रोगियों को चलाई दी करा धन्यवाद हो प्रभु यीशु से सारे दिन पानी दे करते रहा आने दे कुबाल लोगों का आसार लोगों को खाने दे ना दूध की था और पापियों ने सभा में उनके जीवन को बदलता बोलिया में शक्ति की था आने दे या मुझे लोग सुधार कर रहा धन्यवाद हो प्रभु यीशु से इनकी पूरी दुनिया रहते पूरे संसार लोगों का रहते मेरे वास्ते ने प्रभाव लोग करे पापी लोग करे ਧਿਆਨ
करो उन दे रहम करो होला ने सुनता जे तो मन नाल रे आती से वाले चंद पार से चल वाली सो जाए आले वाले ने साल हो गांव वाले ने साल वाले हो आगे पसना हो आगे सबूत हो आगे कलाम हो आगे आराधना हो आगे खोरिया हो होगो वचन पढ़ने वाले हो सुनने वाले हो सुनाने वाले हो होगा आत्मा ने समझना मसा कर लिया रवि यीशु मसीह ने हुक्म मसा कर लिया रवि यीशु मसीह नाम के मसा कर लिया पिता को ने तो प्राण नाम के मसा कर लिया हटना के शक्य हो रवि यीशु मसीह ने बांध लिया यीशु ने हुक्म के बांध लिया हुक्म ने ये आत्मा धूल जा ले लिया प्रभु यीशु की समझ जाए हे बाप पिता परमेश्वर आज का ये मुझे समझ कर जाए प्रभु यीशु को मिल जाए प्रभु ये मेरे को है पूरे का नाम ले आ जाए प्रभु प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी आत्मा ने तुम्हें सारे नाम भगवान नाम चल मिल जाए भगवान नाम ले आ जाए भगवान नाम पहलो पर हाल मिल गया और नाम को प्रभु जी आत्मा ने तुम्हें सारे नाम भगवान समझ जाए कार्य करे तब महिमा में लेकर नहीं चपुरी हो जाए पिता कौन वाले बोल रहा आप मेरे रसूली हो रही पिता कौन वाले बोल रहा आपने समझ जाए कार्य करे प्रभु जो आशीषमान जीवनमान शांतिमान मुक्तिमान चटाई प्राप्त कर कृपाण प्राप्त कर Hallelujah.
सत्ता बात है हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी आपके जीवन अपनी मेहमान Thank you.
अच्छा करके शुरू करो। Thank you.
Bye.
ਸਾਰੇ ਸਭ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਹੱਥ ਰੱਖ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਯੇਸ਼ੂ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ Oh,
परमेश्वर की प्रभु लड़ाता रहा दुर्गा का बोलियो हालेलुया हालेलुया अपना का बोलियो परमेश्वर की Thank you.
सब लोग अपने घर में बैठ गए। पंजाबी राज जबूरा दी मुर्ती जबूर नंबर 49 जबूरा दी मुर्ती जबूर नंबर 49 51 पंजाब अधे एक 49 नंबर जबूर है। और पंजाबी दी विच पन्ना नंबर है 719। तो सपना जरूर बनेगी और सारे ने बारी बार सर पीछे पीछे बोलना है, पीछे पीछे खिलाफ पढ़ना है। अपूजा नंबर समूह सारे अपने अपने बैनर खोलिए, सारे खोलिए जबूरा जी पोती जबूर नंबर 51। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी कृपा के अनुसार, अपनी कृपा के अनुसार मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर, अपनी रहमता दी, अपनी रहमता दी, रेल तेज अनुसार, रेल तेज अनुसार मेरे अपराध मिटा दे, मेरे अपराध मिटा दे, मेरी बदी तो, मेरी बदी तो मैनु चंगी तरह तो, मैनु चंगी तरह तो, अति मेरे पाप तो, अति मेरे पाप तो मैनु शुद्ध कर, मैनु शुद्ध कर, क्यों जो मैं, क्यों जो मैं अपने अपराध जानता हां, अपने अपराध जानता हां, अति मेरा पाप, अति मेरा पाप सदा मेरे सामने है, सदा मेरे सामने है, मैं तेरा, मैं तेरा हां तेरा ही, हां तेरा ही पाप कीता, पाप कीता, अति तेरी निगाह विच, अति तेरी निगाह विच यह बुराई कीती, यह बुराई कीती, तां जो तू, तां जो तू अपने फैसले विच, अपने फैसले विच धर्मी ठहरे, धर्मी ठहरे, अति अपने न्याय विच, अति अपने न्याय विच तू साफ निकले, तू साफ निकले, वेख मैं, वेख मैं बदी विच जम्मिया, बदी विच जम्मिया, अति पाप विच, अति पाप विच मेरी माता ने, मेरी माता ने मैनू कुख विच लिया, मैनू कुख विच लिया, वेख तू, वेख तू अंदरली सच्चाई, अंदरली सच्चाई चाहुंदा है, चाहुंदा है, अति गुप्त मन विच, अति गुप्त मन विच मैनू बुद्धि सिखावेगा, मैनू बुद्धि सिखावेगा, जुफे नाल, जुफे नाल मैनू पाक कर, मैनू पाक कर, तां मैं, तां मैं शुद्ध हो जावांगा, शुद्ध हो जावांगा, मैनू तो, मैनू तो मेरे फुला मेरे फुला
हे परमेश्वर टूटे अते अजीज दिल नू टूटे अते अजीज दिल नू तू तुछ ना जानेगा तू तुछ ना जानेगा अपनी कृपा नाल अपनी कृपा नाल सियों दा भला कर सियों दा भला कर अते यरूशलम दिया अते यरूशलम दिया Thank you.
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤਬੀ ਯਿਸੂ ਸੇ ਤਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲਦਾ ਕੋ ਤਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੇ ਬੋਲਦਾ ਆਮੀਨ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੇਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता परमेश्वर ने हफ्ते के पहले दिन सानू सारे विषय का इकट्ठा किया ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ
ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦੁਆ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ अज सुंदर समय के लिए और इस वास्ते कि परमेश्वर अब परमेश्वर के बच्चे सुनने का समा दिता और थोड़े सामने खुला किया मैं धन्यवाद करता परमेश्वर भी अपने सुनता भी और आओ असी पढ़िए कहावतों की किताब 16 अध्याय उसकी 20 आए परमेश्वर के वचन के उपर अपना मन टिकाएगा अपना दिल लाएगा उन्हां दा भला होएगा उन्हां दा भला नहीं होएगा कि जिहड़े परमेश्वर के वचन के चित नहीं लाते बहुत सारे लोग बड़े बड़े चिर तो चर्चा जा रहे हैं लेकिन उन्होंने जीवन से मुश्किल परेशानियां समस्या अभी भी उस तरह खड़ी ने भावें दो साल तो जा रहा भावें चार साल तो जा रहा लेकिन कारण की है कि वह चर्च तो जाते हैं दुआ भी करते हैं प्रार्थना भी करते हैं और वचन भी सुनते हैं लेकिन बहुत सारी सेवा भी करते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन से किसी तरह की कोई आशीष नहीं कोई ब्लैसिंग नहीं आ रही है वह कारण की है कि कारण यो है कि वह परमेश्वर के वचन तो सुनते हैं लेकिन वो उत्ते खड़े नहीं रहते वो उत्ते टिकते नहीं है परमेश्वर के वचन के उत्ते अपने मन को टिकाना जब तक तुसी परमेश्वर के वचन से जो सुनिया वा जो समझिया वा जो पढ़िया वा उहदे उत्ते अपने मन को नहीं टिकाओगे तो कदे भी तुहाडा भला नहीं हो सकता अगर तुसी चाहते जे कि तुहाडा चंगा कारोबार होवे चंगा पैसा होवे परिवार च शांति होवे बच्चे चंगे होण बच्चे नेक होन समझदार होन बुद्धवान होन चंगी पोस्टा लगे होन तुहाडे घर च आशीष होवे बरकत होवे किसी तरह की कोई समस्या ना होवे या किसी ने कोई उलझन ना होन तुहाडे घर विच हर प्रकार हर तरह की आशीष हो बरकत अगर तुसी चाहते जे तुहाडे जीवन च होवे ते तुहानू चाहिदा है कि परमेश्वर के वचन के उत्ते चित लाउणा परमेश्वर के वचन के उत्ते मन टिकाउणा वचन वो है जो परमेश्वर के मूँह चो निकलिया जो परमेश्वर ने कहे अगर तुसी इस परमेश्वर के कहे हुए वचन के उपर परमेश्वर के कहे शब्दों के उपर अड़े रहोगे तो खड़े रहोगे तो तुहाडे जीवन च आशीष आएगी बरकत आएगी खुदा ने परमेश्वर ने सब तो पहले जो आदम बनाया उसनू परमेश्वर ने एक अदन के बाग रख्या जिते हर तरह की फसल जिन्होंने दी गई उन्होंने खाण पीन सब कुछ रास्ते बन दिता गया उत्ते कि चेर रहा बहुत समा रहा सिर्फ उन्होंने एको ही हुक्म दिता गया एको ही शब्द आख्या गया कि तू इस धरती पर रहना है ये संभाल करनी है ये रखवाली करनी है ये सारे जीव जंतु सब जानवर सब पेड़ पौधे सब कुछ तेरे वास्ते दिते आ तू सिर्फ एको ही काम करना है कि तू जो पेड़ बूटा बचकार बाग लग्या है बाग बचकार लग्या है यदा फल खाना बाकी सारा कुछ करना है सिर्फ एको ही परमेश्वर का वचन उन्हें परमेश्वर ने वचन आख्या कि तू सब कुछ करना है लेकिन आ वाला फल खाना नहीं खाना और परमेश्वर के वचन के उपर अड़िया नहीं परमेश्वर के वचन मनिया परमेश्वर ने कबूल किया उन्हें जो परमेश्वर के वचन परमेश्वर के हुक्म तोड़िया तो जीवन च की आ गया दुख उन्हें अदन के बाग चो बाहर कटना पाया हर तरह की जी को फैसिलिटी सी जी को हर तरह का इख्तियार सारा इख्तियार वापस ले लिता गया हर एक चीज़ उसको खोई गई उस अदन के बाग के जितने हर तरह की फसल नहीं उस तो बाहर कटिया गया वो जीवन के आ गया शराब आ गया जो असं परमेश्वर के वचन सुनते हाँ उस समझते हाँ उत्ते अड़े नहीं रेंदे उत्ते खड़े नहीं रेंदे उन्हें कबूल नहीं करते तो फिर साढ़े जीवन की आ जाता शराब आ जाता तो फिर साढ़ा कभी भला होंदा
ना औरत, औरत ने भी हुक्म नु तोड़िया, आदम ने भी, आदम ने भी हुक्म नु तोड़िया, तो ना जीवन च शराब आ गए तो परमेश्वर ने बाग चो बाहर कर दिता। यह आ कि परमेश्वर के वचन के उपर अड़े रहना ते खड़े रहना, परमेश्वर के वचन में जो सुनिया उसनों कबूल करना, कि जो भी वचन असं सुन दिया भावें किसी तरह का भी वचन हो, और वह वचन जोड़ा है कि परमेश्वर के मूँह चो निकले हुए शब्द हैं, परमेश्वर ने अपनी उंगल के नाल लिखे हुए वचन हैं, उन्होंने वचना सूँ विश्वास करना, भरोसा करना चाहिए। मैं एक बार फेसबुक पर देख रहा थी, एक बंदे ने अपने पाया दे विच कि मैं ना 10 लाख रुपया इनाम देवगा अगर कोई बंदा मरिया है जिंदा कर देगा, भावें कोई पास्टर के बारे कह रहा है, भावें किसी संत के बारे कह रहा, लेकिन यह आ कि उस बंदे ने खुदा के परमेश्वर से विश्वास नहीं किया, वचन से विश्वास नहीं किया। इस वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, परमेश्वर ने मुर्दे जिंदा किए, परमेश्वर के दासा ने मुर्दे जिंदा किए, लेकिन उसने विश्वास किया नहीं, क्योंकि सानू की आ कि विश्वास करन दी जरूरत है। अब्राहम नूं परमेश्वर ने दर्शन दिता कि मैं तेरा परमेश्वर हाँ, मैं तेरा खुदा है, मैं तेरी पालना पोषण करन वाला, मैं तेनू रोटी पानी देन वाला, मैं तेनू कपड़ा लत्ता देन वाला, मैं तेनू आशीष देन वाला, मैं तेरा की आ परमेश्वर हाँ। तो अब्राहम कहता खुदा तू मैनू की देगा, तू मैनू की देगा, मेरे को तो कोई वारस भी नहीं है, मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है, तो मेरा वंश कितना अगे बढ़ेगा। तो परमेश्वर ने उन्होंने कहा इधर बाहर आ, अपने तंबू चो बाहर आ, तो आकाश वाल वेख, आ जिन्ने तारे आ जे तू गिनती कर सकता है तो गिनती कर ला, इन्ने तेरे जवाक होणगे, इन्ने तेरे बच्चे होणगे। हालेलुया। उन्हें कहा भी यह जी धरती है ना, जी भूमि है ना, यह सारी की सारी मैं तेनों से तेरी अंश में देवगा। हूँ खुदा जी गल कह रहा है, परमेश्वर जी गल कह रहा है कि वह लिख के दे, अब्राहम लिख के दे कि अब्राहम अल्लाह फल आ जमीन मैं तेनों लिख दी आ तेरी होगी। सिर्फ परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के वचन ते की करना चाहिए विश्वास। अब्राहम कहता मैं कितने मैनू कितना पता लगेगा भी सारी जमीन मेरी है तो मेरे बच्चे नहीं होंगे। कहना मैं कितना यकीन कर नहीं, यकीन तो पढ़ लो उत्पत्ति किताब कढ़ो, उत्पत्ति 15 कढ़ो, पहली किताब कढ़ो बाइबल की उत्पत्ति 15 दे कढ़ो, उसकी 8 आयत पढ़ो, 15 दी 8। उसने आख्या हे प्रभु कहना प्रभु मैं कितना जाना, विश्वास है, विश्वास है ना खुदा दे, खुदा ने जो वचन गए उसे विश्वास किया, भरोसा किया, और जो ने गल की एक गल जो खुदा ने की मैं किदा जाना, यानी कि यदा मतलब है कि उन्हें खुदा के वचन से खुदा के शब्दों से भरोसा किया नहीं, जो उन्हें भरोसा नहीं ना किया तो फिर वो जीवन से लड़ तो एक शराब आ गया, फिर 400 साल तक वो पीढ़ी चौथी पीढ़ी तक मिश्र देश की गुलाम रही। कि तुम चाहते हो कि तुम गुलामी च जाओ, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे गुलामी में जा, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सारा भटकते रहन, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे नशे के रहन, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में कभी भी जोड़े लड़ाई झगड़े होंगे ही रहन, तुम्हारे जीवन में मुश्किलें रहन, परेशानियां ही रहन। अगर तुम यह चाहते हो कि साढ़े जीवन से साडा भला आए, भला सिर्फ एक शब्द आ, भला सिर्फ एक शब्द आ,
भले का मतलब यह कि कारोबार चंगा है, ताडे शरीर ठीक है, तंदुरुस्त हो, कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाइया नहीं खा रहे, घर च दवाइया नहीं आ रही, कर्जे नहीं जा रहे, लोगों के ब्याह नहीं जा रहे, किश्तां नहीं जा रहे, घर च आशीष नहीं है, किसी बरकत नहीं आ। इनू कहिंदे ने कि अगर ताडे जीवन च यह सारे होंदे ने, समझ लो कि ताडे जीवन च एक सराप आ, एक लानत आ, और इहो ही आ कि तुसी परमेश्वर के वचन के उत्ते विश्वास करते नहीं, भरोसा करते नहीं। अगर विश्वास तो भरोसा कर दो तो परमेश्वर के वचन के उपर अड़े रहना, खड़े रहना, जो सुनियो तो विश्वास करना। ताडे सामने कहो जी मुश्किल होवे, कहो जी परेशानी होवे, कहो जी समस्या होवे, सिर्फ एक गल याद रखी कि मेरे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हाँ, मैं तेरे साथ हाँ, मैं तेरे अंग संग हाँ, तू ना डर। साडे मन च यही होनी चाहिए है, भावें साडा विरोधी किन्ना भी तगड़ा क्यों ना आवे, किन्ना भी पैसे वाला क्यों ना आवे, किन्ना भी घमंडी क्यों ना आवे, किन्ना भी गुस्से वाला क्यों ना आवे, साडे वैरी जिड्डे जिड्डे मर्जी वड्डे शक्तिशाली होण, सिर्फ इको गल याद रखनी है जो परमेश्वर के वचन च लिखा कि ना डर, मैं तेरे अंग संग हाँ। सिर्फ सानू परमेश्वर जिहड़े वचन आ, जो शब्द आ, सानू ओही याद रखने चाहिए। नूह दे समय दे विच परमेश्वर ने नूह नूं पहलो ही यह आख दिता कि मैं 40 दिन और 40 रातां मीह पाण वाला वा, ते तू इस तरह कर एक किश्ती बना जिहदे विच तू 7 तरह के जोड़े और अपने परिवार नूं नाल रखना, नाल अपने खाण पीण दा सारा समान तैयार रखना, ते मैं इस पूरी सृष्टि नूं, इस पूरी धरती का मैं की करन जा रहा, नाश करन जा रहा, मैंने तो बहुत दुखी हाँ, मैंने इन्हों का बहुत दुख दिता है, मैंने तो बहुत दुखी हाँ, इन्ना ज़्यादा मैंने इन्होंने बनाने से दुख होया, एडे निकम्मे ने, एडे दुष्ट ने, ये मेरा कोई ख्याल रखते नहीं, मेरे तो मानते नहीं, मैनू कुछ समझते नहीं, मैं इन्हें सारे का की करन जा रहा, नाश करन जा रहा। सिर्फ कल एक नूह ने खुदा के वचना से, खुदा के वचना से, खुदा के शब्दों से विश्वास किया और भरोसा किया, खुदा के कहे के मुताबिक उन्हें एक बहुत बड़ी किश्ती जिन्होंने समझ लो टाइटैनिक जहाज बनाया, जिदे उन्होंने जो जहाज बनाया ना, जहाज उन्हें कोई एक दो महीने च नहीं बनाया, साल ला के जहाज बनाने के लोग गल्ला करते ही, मखौल करते ही, वह मजाक उड़ाते ही, वो कहने एडा कि उत्तर किश्ती बनाने, ना तो समुद्र आ, ना दरिया वा, ना नहर वा, एडी बड़ी किश्ती चलानी कितने, उन्हें लोग मजाक करते ही, मखौल करते ही, लेकिन उन्हें कभी भी समाज की परवाह नहीं की। अगर तुसी समाज की परवाह करते हो, रिश्तेदारों की परवाह करते हो, भैन भरावों की परवाह करते हो, तो समझ लो तुसी उन्हां दी परवाह करते हो, खुदा के वचन की परवाह नहीं करते। सानू खुदा के वचन की परवाह करनी चाहिए है, खुदा के शब्दों की परवाह करनी चाहिए है कि सानू खुदा ने की किया, असी किदे ते आस रखते हैं, किदे ते भरोसा रखते हैं। नूह ने खुदा ते आस, विश्वास और भरोसा खुदा के वचन ते कायम रहा, और लगा रहा बनाते, कभी एक चीज लिया, कभी दूजी चीज लिया, कर करके किन्ने साल बाद जहाज तार तैयार कर लिया, तो खुदा ने 40 दिन और 40 रात मीह पा के, बारिश करके पूरी दुनिया का नाश कर दिता। सिर्फ बचिया कौन? नूह ते नूह दा घराना। तो भला किहदा होया? नूह दा होया, नाल उहदे बच्चिआं दा होया, नाल उहदी जनानी दा होया। सिर्फ किहदे करके? दुआई करी जाने 24 घंटे 10 माड़ा मोटा घूम फिर लगना, बारह दिन चल जा कर, पापा तू किताबा जी पढ़ा रहना, पापा तू बाइबल पढ़ता रहना, पापा तू करता रहना, ओदे बच्चे ने भी कितना ने गली कीती नहीं, लेकिन उन्हें इस चीज की परवाह नहीं की। उन्हें ना अपने धियां की, ना उन्हें अपने पुत्रां की परवाह नहीं की, उन्हें अपनी जनानी की परवाह भी नहीं की। वो जनानी भी उन्होंने कहती होगी, जे आदम नूं हवा कह सकती आ, आ फल खाला, आ खाला फल, फिर क्या नवी तो खादा ही है, तो नूह की जनानी ने उन्होंने कहती होगी कि चल कोई गल नहीं, चल छड्ड हुंदे आंदे, किन्ने साल हो गए, साल तक हो गए, मीह कितने इदा मीह पैन डिया, मीह पऊगा कितने, इन्ना ही मीह पै जूगा, एडा कहना मीह आ जूगा। सिर्फ एक नूह दे खुदा दे वचन ते अड़े रहन दे लई, खड़े रहन दे वास्ते, और उन्हें खुदा दे वचन ते अड़िया रहा और खड़ा रहा, तो उहदा भला होया, तो उहदे पूरे परिवार ते पूरे घराने दा भला होया।
अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुहाडे ते कृपा करे तुहाडे ते दया करे तो तुसी भी खुदा दे वचन दे विश्वास रखना भरोसा रखना तो वचन दे उपर चित लाना एक बारी जो सुनिया उत्ते अड़ जाओ खड़ जाओ कि मैं सिर्फ खुदा ते विश्वास करती हाँ खुदा ते भरोसा करती हाँ तो मैं वचन दे अड़ी हाँ तो मैं वचन दे खड़ी हाँ भावे जो मर्जी हो जाए प्रभु तुम सारे वचन दे आशीष दे सारे जल क्योंकि जेहड़ा जीवन नाल प्रेम रखना अति परे दिन वेखने चाहता है वह अपनी जीव नूं बुढ़ियाई तो अति अपने बुल्लां नूं मक्कर बोलन तो रोक रखे हालेलुया हालेलुया तो खुदा दी वाणी दे विच सबने हुणे सुणिया वा कि जेहड़ा जीवन नाल प्रेम रखना अति परे दिन वेखने चाहता है हालेलुया इस जगह ते जिहड़े सन बैठे आ मैं भी सारे अपने ही चाहते हैं कि अभी अपनी जिंदगी देखिए भरियाई देखिए सोच देखिए है ना प्रेम नए भले देखना चाहिए सब कुछ ही होना चाहिए वा पर वास्ते असं की करना खुदा के वचन के अपनी जीव को भरियाई तो अपने फुलों मकर बोलन तो रोक रखे हालेलुया खुदा की वाणी दसती है कि असं भले दिल देखने चाहते थे परमेश्वर एक ही है और अगे लिखा
तू ही चंगा करना है जिस विश्वास करते परमेश्वर को तो ये चंगी गल आ पर इतने अगले लिखा भूत एहो नेचा करते हैं ते कंबदे हैं जिहड़े भूत ने उन्हां नूं भी पता वा कि परमेश्वर की आ इको आ ते जिहड़े यीशु मसीह दुष्ट आत्मावां नूं डांटदे सीगे ते उन्हां नूं चुप भी करवाउंदे सीगे ते सीगे कि उत्थे जिहड़े भूत सी उन्हां नूं की करदे सीगे पहचानदे सी पर इतने बीह दे विच लिखिआ पर हे निकम्मिआ मनुखा कि तू ये नहीं जानना चाहता है कि अमला वाचो नेचा भारत है हालेलुया जे अमर नहीं है तो साड़ी नेचा व्यर्थ है इस करके सानू की करना चाहिए वा विश्वास रखना चाहिए नेचर से अमल करना चाहिए वा कले विश्वास के सिर ते इस आत्मिक जीवन दे विच तरक्की नहीं कर सकते तो मान लो कि असि कल्ली बाइबल ही पढ़ी जावांगे ते कि असि अगे वध सकते आ बाइबल दे नाल सानू प्रार्थना करनी भी जरूरी है फास्टिंग प्रे करनी भी जरूरी है हर काम दा आपो अपना किया प्रार्थना मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करती हूँ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਰਮੀਆ ਉਹਦਾ 17 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 ਤੇ 8 ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਿਰਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗਰਮੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਜਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔੜ ਦੇ ਵਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਹਲੇਲੂਯਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਿਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਖ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪੇੜ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
बरकत देगा। अगे आप देखेंगे फिलिपियां उसका चार बाब उसकी 19 आयत। अतः मेरा परमेश्वर तेज विच अपने दान के अनुसार तुहाडी हर एक थुड़ को मसीह यीशु विच संपूर्ण करेगा। हालेलुया। देखो इतने की कह जा रहा है कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम विच तुहाडी सारी मनोरथा को ताकि हर एक जरूरत को पूरा करेगा। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि ओ मरद मुबारक है गवा। देखो जिसका भरोसा परमेश्वर उत्ते है गवा। परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह उस इंसान की हर एक मनोरथ को पूरा करेंगे, हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। सिर्फ सारी जरूरत है परमेश्वर यहोवा उत्ते भरोसा रखने की, उन्होंने आराधना करने की, उन्होंने उपासना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह सारी सारिया मनोरथा को खुद पूरा करेंगे। देखो अति कितनी बार पढ़ चुके हैं, कितनी बार सुन चुके हैं कि परमेश्वर यहोवा ने सानू साजिया है, परमेश्वर ने सानू बनाया है, तो सानू परमेश्वर ने ही परमेश्वर की साड़ी परवाह करेंगे। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने सानू एक हुक्म दिता है, सानू एक काम दिता है, अति की करना है परमेश्वर की आराधना करनी है, उन्होंने उपासना करनी है। सिर्फ अति परमेश्वर की उपासना करने नाल ही परमेश्वर को अनगिनत बरकत पा सकते हैं। सो सिर्फ सानू परमेश्वर यहोवा की उपासना करनी चाहिए, उन्होंने आराधना करनी चाहिए, रोटी पानी से बरकत देंगे, साडे बीमारी कट देंगे। सो सानू सारे परमेश्वर यहोवा उत्ते भरोसा रखना चाहिए, उन्हां दी हजूरी विच आना चाहिए, अते उन्हां दे नाम की आराधना करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह तुहानू सारे इस वचन द्वारा आशीष दे। सारे प्रभु यीशु मसीह मुस्कान और फिर सपना फिर सलोनी एक एक जमूर पढ़ो जल्दी जल्दी। पहले उसके बाद सपना सलोनी तो हो रहा है जिन्हें पढ़ना होगा। 101 नंबर जब हे स्वर्ग वासी मैं अपनी आंखें तेरी वल चुकदा हां, देख जिवें दासां दीआं आंखां अपने मालिक दे हथ वल, अते गोरियां दीआं आंखां अपनी बीबी दे हथ वल, तिवें साडी आंखां साडे परमेश्वर यहोवा वल हन। तद ठीक उह साडे उत्ते तरस ना पावेगी, साडे उत्ते तरस ना हे यहोवा, साडे उत्ते तरस ना, असीं तां निरादरी को बहुत ही रच गए हां। ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਸੁਖੀਆਂ ਤੇ ਠਾਠਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲੋਨੀ ਪਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਕਦ ਤੀਕ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਕੀ ਸਦਾ ਤੀਕ ਤੂੰ ਕਦ ਤੀਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੈਥੋਂ ਲੁਕਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਜੜੀ ਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਕਦ ਤੀਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇ, ਮਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਵੇ, ਮਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰੇ ਡੋਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ
है करता है वो कभी नहीं डूबेगा। आमीन। सब खड़े हो, सब जल्दी जल्दी करो, धन्यवाद करो, सब खड़े हो, बहुत टाइम ला, जल्दी जल्दी। हालेलुया, हालेलुया, सब धन्यवाद करो, हम लोग धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, सदा खुदा धन्यवाद, धन्यवाद, सताली रंग प्रवेश मसीह का नाम है, जोर से जोर से तुमको नाम है, ओ जो भी प्रार्थना पढ़े हुए उत्तम सोचे प्रसाद आए अनुकूल हुई और चमत्कार जब रहे सब कम करे लोका ने ध्यान करना जो आज किसी काम कर नहीं ऐसे बोलो लोग करे ध्यान करना इन दिन आज मौका मिली बड़ी बधाई भेद तो आ रही है चिन्ह और चमत्कार करो और कल को मैं मेरे घर जो काम भक्त करे ये पापी लगा दे चप्पू दे जाए ये सुनवा सिर बात सुनो करे हाँ हाथ खड़े करके जोर से एक बार हाले लिए बोलो ये आवाज से आई नहीं वाले लिए जोर से सो आइए एक जबूर पढ़ा ले 51 नंबर जबूर और 13 हाथ पढ़ रही है नोट आउट बच्चा नोट आउट 51 नंबर जबूर और 13 हाथ पढ़ा ले तद मैं अपराधियां नू तेरे राह सिखावांगा अते पापी तेरी वाल मुड़नगे सारे मेरे पीछे पीछे बोलो देखो माइक बंद करता माइक तो बिना मेरी आवाज तक तक पहुंच जानी सारे बोलो तद मैं सारे बोलो तद मैं अपराधियां नू तेरे राह सिखावांगा पापी तेरे वाल जान मुड़नगे फिर बोलो मैं अपने वास्ते अपने लिए आप बोलू इकरारनामा ठीक है इदा बोलना मैं पापियां नू तेरा राह सिखावांगा अपराधियां नू हालेलुया जबूर आ 51 नंबर जबूर बहुत वधिया पाया कई बार गीत भी गाने आ फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब मेरे एहो जबूर है ये दाऊद दा लिखा है जबूर आ सारा जबूर ने पर सुनना सिर्फ एको ही आयत दे उत्ते पा ध्यान देना आ सीखना आ ते जे इस गल नू अमल कर लो ना तो मैं विश्वास करता कि तुहाडे दित्ते होए संदेश के द्वारा पापी लोग बचाए जाएंगे अपराधी बचाए जाएंगे तो वह प्रभु दे वल
ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਸਿਖਾਵੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਹੈਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਸਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨਦੀ? ਹੈ ਜਾਪਦਾ? ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ? ਇੱਧਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਚਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਲੇ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਹਟ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੱਟ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ? ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
यीशु मसीह नूं मन के छड्ड भी दोगे तद भी लोगों नूं इह चेता नहीं जे भुलदा कि तुसीं किहनूं मनदे सी। सुखी भैन लोगों नूं फिर भी तुहाडा पता है ना, बोलो तुहाडे गली वाले नूं पता कि नहीं, जिथे जिथे तुसीं रहिंदे हो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਵੇਖ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੈਨੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਉਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ, ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੈਂ ਆਟੋ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਟੋ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਯਿਸੂ ਜੋਗੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਰਚ ਟਿੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭਟਕਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭਟਕਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਛੱਡਣੇ, ਪੈਰ ਹੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਦਾਨ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਰ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੁਣ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੌੜ ਦੌੜ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਚਰਚ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ
विचार जड़े ने ना वो बदलते रहते हैं, उन्होंने मन स्थिर नहीं। मैं कि लोगों को दसा जे हजार रुपये खर्च करने वाले लोग ने जोड़े बड़ा बड़ा खर्च करने वाले लोग वो जैमसी करन तो भी हुण डरदे ने। जो प्रभु यीशु मसीह नूं मन के छड्ड भी दवोगे ना तो जिहड़ा ठप्पा तुहाडे ते लग गया ना वो खत्म होना नहीं। क्यों हो जाएगा नहीं। हम मान लो मैं एक पास्टर हाँ तो तुसीं संगत दे सारे लोग जी, तो जो मैं तुहाडे घर च जाना तो तुहाडे गली महल्ले वाले नूं पता हुंदा ना भी तुहाडे घर कौन आया। बोलो पता हुंदा। तो मेरी जी आदत तुहानूं पता टी 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 करन दी हुंदे मैं घटा दित्ती वैसे क्योंकि मेरा सह भी डैडी बोलता ना करे करो। सारे पता हों कि इन्हें घर पास्टर आता है। तो देखो मैं एक कहना चाहना हाँ कि तुम भुल चुके हो कि अं मसीह हाँ, पर संसार नहीं जे भुलिया कि तुम कौन जे ठीक है। हम इन्हें कि प्रचार किया जिदा गाला भी कढ़ोगे ना, जिदा तुम गाला कढ़ोगे उदा तुम महल च फटे जाना है, उदा तुम की होना फटे जाना। वो पर सुनो संसार के लोग जिन्नी मर्जी गाला कढ़न उन्होंने जायज है क्योंकि वो तो गाला कढ़ते कढ़ते हैं, पर जिदन ढे मूँह चू गाल निकल गई उधर भला की होना। हाँ नहीं भैन तू तो चर्च जानी है, हाँ है तू कि मानी आ पले हो जाने भैन। सुनो बड़े ध्यान जिदन तुम प्रभु यीशु मसीह मन के शराब पीती गाला कढ़िया चुगलियां कीतिया पैसे की हेराफेरी की जां किसी का बुरा सोच विचार किया उस वक्त ही संसार के लोगों ने ता न्याय कर देना। उस महल्ले च ही ताडे रिश्तेदार ने कहना लै तू तो गिरजे जानी आ, लै तू तो तौबा की आ, लै ताडे घर के पास्टर आउंदा, लै तू तो बंदगियां बड़िया करवानी हाँ। बोलो कहना कि नहीं कहना, लोगों को पता आ कि तुम किनू मानते हो है हम यीशु मसीह नूं मन के तो शराब पीती हो तो बंदा डिगदा हो राह डिगदा हो पीती आ जैमसी की ना शराब पीती तो ना की आई वेखे ना। मैं संसारिक इदा के बड़े लोगों को जानता जिन्होंने गले च रोसलियां पाइया सलीबा पाइया लंबिया लंबिया। मैं कई आख्या कई लोगों ने मैं इदा मैं नशे के मतलब ठेकिया वेख्या तो मैं यार तुम सलीबा नहीं पाई कहते भाई यीशु मसीह नूं मानदे आ। मैं तेरी सलीब बाहर ही बाहर आ, तेरे दिल के अंदर सलीब हैगी जे तेरे अंदर सलीब होंगी तू बाहर तो सलीब पाई है पर तेरे अंदर यीशु हैगा, जे तेरे अंदर यीशु हुंदा तो तू शराब के ठेके से कभी भी ना हुंदा। बोला हालेलुया हालेलुया। अपराधियों नू भाई सुनो ये बड़ा वधिया वचन है जो मैं सुनाया नहीं आ, लोगों नू जाकर सिखाओ लोगों नू रब दी राह दिखाओ। जे तुम गवाही दोगे लोगों नू दसोगे ना तो जरूर तुहाडे वाल गल सुन के वह प्रभु दे वल मुड़नगे। बोला हालेलुया हालेलुया। ते पता की हो गया अजकल दसो बहुतियां कलीसियां दे च बहुतियां कलीसियां च ये हो गया भी जेड़ा भी काम करे पास्टर ही करे, जेड़ा भी काम करे दुआ करे तो कौन करे ना जी ना अपन दुआ नहीं आती भाई जे ते गुआढ़ी जे रिश्तेदार जे जान पहचान वाले जो कोई बीमार है कोई दुखी आ कोई परेशान है कोई समस्या आ कोई वह कोई मसला आ तो ये जरूरी तो नहीं है भी तीन पास्टर ही बुला तू भी दुआ करनी आनी चाहिए आप भी जाके दुआ कर सकते हो ठीक है। और जोड़ा प्रचार करने की जिम्मेदारी सुनो असं तो लोगों को पता नहीं एक पास्टर तो खुदा ने क्यों ठहराया। सुनो प्रचार करने की जिम्मेदारी तो खुदा ने कलीसिया दी ही, प्रचार करने की जिम्मेदारी किनू दी है बोलो कलीसिया ने अपने को सिर तो भार लाता
जिदा टोकरा पिया होंदा सिर ते है टोकरा ते इत्थे है नहीं है चलो इन्नू टोकरा बना लैंदे आ है अदला हरपाल दौड़ गया जल्दी तेरे सिर ते रखा इन्ना टाइम चलो तू अपने सिर ते रख ला तू आपे पहले रख ला एक समझने वास्ते सर एक जिम्मेदारी आ कलिसिया नु खुदा ने यीशु मसीह ने दी है तानू दी है सो रख दे मेरे सिर पे कि दर खीरा सिर पे रख मेरे हां तेरे सिर लंदा नहीं यानी कि यही अपनी जिम्मेदारी ला कर ला पा तू ला जा की कर मैं नहीं चुक सकता भार सुनी बस थैंक यू भैया अज दियां कलिसियां ते जिन्हां जिहड़े प्रचार करदियां ने ना उन्हां दी कलिसियां भी वधदियां जांदियां ने सुभाविक तौर ते पंजाब दे विच हो सकदा 10,000 तों भी वध चर्च होण पक्की गल है मेरा एक विश्वास आ कि 10,000 तों वध चर्च आ पंजाब दे विच हो सकदा 20,000 चर्च हो सकदे ने हो सकदा 30,000 भी चर्च होण हो सकता 50,000 भी चर्च हो सकते हैं पता किन्ने देखो मैं सर्वे नहीं किया पर सारे कलिसिया क्यों नहीं बढ़ रही क्योंकि वो कलिसिया नहीं बढ़ रही जिन्हें कलिसिया के लोग प्रचार करने की जिम्मेदारी समझते देखो ढे पति भी नहीं आते कई पत्नी नहीं आती कई बच्चे नहीं आते कई माँ बाप नहीं आते कई भैन भरा नहीं आते क्योंकि जिम्मेदारी तो तुम भज गए हो तुम जिम्मेदारी तो पर धन आ देखो नूह ने बड़ा प्रचार किया प्रचार करना साड़ी जिम्मेदारी आ जे नूह हूँ प्रचार करना जो रोज़ खुदा कहता प्रभु अज मैं बड़ा प्रचार किया प्रभु दे प्रभु मेरी उम्र कितनी हो गई 500 साल का मैं हो गया प्रभु अज किसी ने नहीं तौबा की तो कहता प्रभु इदा कर हूँ मैं कल नहीं जाना हूँ मैं कल फिर वो प्रचार कर गया फिर भी किसी ने तौबा नहीं की फिर वो अगले दिन प्रचार कर गया फिर भी किसी ने तौबा नहीं की फिर वो अगले हफ्ते गया फिर भी किसी ने तौबा नहीं की घट तो घट सुनो बड़े ध्यान ना बहुत ध्यान ना सुनो 100 साल तक किन्ने साल तक घट तो घट कुछ लोग तो 120 साल भी कहते हैं 100 साल मन लो या 120 साल मन लो घट तो घट 100 साल नूह ने प्रचार किया किन्ने साल अह किन्ने साल कर रहे हैं सुनो 100 साल प्रचार करने के बावजूद भी उस वक्त दुनिया कि नहीं पता कि दुनिया ही दुनिया कि नहीं नूह के जमाने से दसा दिया खाता कई बार प्रचार किन्नी दुनिया पता है नूह के समय से किन्ने लोग हो गए 1,00,000 बंदा एक 10,00,000 ही तो 50,00,000 ही पता गए किन्ने करोड़ ही 4-5 करोड़ इन्नी दुनिया ही बस अज कि दुनिया है अज के समय से दुनिया कि नहीं फिर भी किन्नी ही पता है तो करोड़ों के हिसाब ना किन्ने करोड़ है पता वो भाई 150 करोड़ तो हिंदुस्तान से ही है 150 करोड़ अज के जमाने की हाँ जी मैं 150 करोड़ कह रहा हिंदुस्तान से ही सुनो अज के समय से दुनिया पता कि 700 करोड़ तो भी वध आ 700 करोड़ तो वह ज़्यादा आया हूँ तो थोड़े समय तक 800 करोड़ हो जानी आ 150 करोड़ देते 3 करोड़ तो पंजाब चाहिए थे 2.5-3 करोड़ तो कितने ने पंजाब हूँ सुनो नूह के जमाने च पता कि दुनिया ही 700 करोड़ तो लैके 950 करोड़ यानी कि जो 50 करोड़ होर लगा लीए तो 1,000 करोड़ लोग सन बल्ले बल्ले मान के चलो
कि 1000 करोड़ लोग सी पर एक ने भी विश्वास नहीं किया, उन्हें प्रचार करना बंद करता है, है? पर ताड़े च कमी है कि तू ही प्रचार कर दे, करो प्रचार। इस लिखा मैं पापिया नू तेरे राह सिखावांगा। नूह दे जमाने दे भावे कि इन्हें तौबा नहीं की, सुनिए जलो, पर यीशु दे जमाने दे विच ते पतरस दे जमाने च, पतरस ने पहले दिन प्रचार किया ही ते 3000 लोगों ने तौबा कर ली। बोल हालेलुया, हालेलुया। ते जे अज तुसीं भी तौबा दा प्रचार करोगे, लोगों को प्रभु के बारे दसो, तो लोग जरूर मुड़नगे। बाबा जी लिखा पापी परमेश्वर के वल मुड़नगे। जाओ जाके की करो, प्रचार करो। की करो? प्रचार करने का मतलब यह नहीं तुम पास्टर बन गए, है ना? अब जिदा हम थानू नहीं पता, बलजीत को पता आ, वो मेरी एक चेली है राजी, वो भी चर्च लाई है, वह भी अपने आप पास्टर कहती है। हूँ इतने सुमन होने चर्च लाते हैं, वह भी अपने आप पास्टर कहती है, जबकि बाइबल के औरत जात कभी पास्टर बन ही नहीं। औरत जात औरत पास्टर नहीं बन सकती, वो प्रचार जरूर कर सकती है, गवाही दे सकती है, लेकिन पास्टर कहला लगे पता। औरत दे कोल पास्टर का ओदा नहीं हुंदा, बाइबल च कितने भी नहीं लिखा, पर सिक्ख्या बड़ी पुठी हो गई आ, सिक्ख्या की हो गई आ। अजकल भैणा भी की बन गई ने, वो पास्टर नहीं हो सकती, पास्टर राणी हो सकती है, समझ गए गल? लगे पता की भला पास्टर की राणी? हाँ, बोला हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बुआ जी हो सकते हैं, जो सही शब्द है वो बुआ जी हो सकते हैं, पास्टर की पत्नी हो सकती है, पर पास्टर सो खुदा तुम बरकत दे। प्रचार करो, प्रचार का मतलब यही नहीं कि तुम पास्टर बन जाना, पर तुम लोगों को दसना है प्रभु के बारे दसना है। बोला हालेलुया, हालेलुया। सो एक भजन गान तो पहले, लास्ट प्रार्थना का तो पहले मैं दसना चाहना कि अगले सोमवार, कल वाला सोमवार नहीं, केड़े सोमवार? अगले सोमवार कन्वेंशन है, ते दो दिन गल्ला पहले ध्यान सुनो। अगले सोमवार 27 तरीक आ, ते कन्वेंशन शाम को 5 बजे शुरू हो जाएगी। किन्ने बजे? 5 बजे। 7:30 बजे तक मीटिंग होएगी, उस तो बाद सब लोगों के वास्ते खाना होएगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। तो तुम जाके लोगों को कन्वेंशन के बारे दसना है, लोगों को लैके आना है। और मैं एक होर भी गल कहांगा कि जे ते चिट्टे कपड़े है जिदे जिदे को होणगे वो जरूर पा के आए। किहड़े कपड़े? चिट्टे। जे किसे को चिट्टे नहीं है फिर नीले पीले हरे गुलाबी पा आयो, फिर जिदा के रंग बिरंगे फिर पा के तो आना ही है ना, वधिया वधिया। पर जे चिट्टे कपड़े होणगे तो कन्वेंशन के कपड़े पा के चिट्टे आना है। और कन्वेंशन के लिए एक और बैठी बैठ बैठ लै लें सेवा रखो, कन्वेंशन के लिए तुम सेवा लिए हाथ बधाना। और मैं इस बार तो दिल च धार है कि जिदा अं पहले बड़िया कन्वेंशन बहुत वधिया वधिया खाने खवाने, हूँ भी मेरी इच्छा यही आ कि सोमवार की जी कन्वेंशन आ वो वधिया खाना खिलाया जाए। बोला हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और अगले दी दुआ करनी आ, 3 काम करने कन्वेंशन लई। पहला काम तुम दुआ करनी आ, दूसरा है कि किसी दूसरे को कन्वेंशन के नाल लैके आना, ताड़े अपने परिवार के जीवन लैके आओ, रिश्तेदारों लैके आओ, पड़ोसियों लैके आओ, मित्रों लैके आओ, होर भी दूसरे लोगों कन्वेंशन के बारे दसो तो उन्होंने लैके जरूर आओ। तीसरी गल सुनिए, मैं कन्वेंशन के वास्ते लंगर के वास्ते ये 4 चीज़ा चाहिए, चावल ते आटा और घ्यो ते दाला, ताकि अं बढ़िया हल्के तंदूरी फुलके परौंठे लच्छे वाले परौंठे खावे। बोला हालेलुया, हालेलुया। हाँ, भावें बाद जो खुला खाना बन जाएगा भावें पैक करके भी लै जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो तुम जिन्हें जिन्हें जो सेवा करनी हो बाद मैनू सलाह कर सकते हो, या मैं दस सकते हो कि पास्टर जी
ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਮਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੋਲੋ? 5 ਵਜੇ। 5 ਵਜੇ ਹੀ ਆਇਓ, ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਜੀ ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਔਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, 100 ਵਾਰ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਹਿਲੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 12-1 ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਔਰ 5 ਵਜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ਿਸ਼ਮਾ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ, ਯੇਸੂ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਜੂ ਭਜਨ ਗਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰੇਗੀ ਸਭ ਲੋਕ ਕਰਤਾ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇ
हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड पर की पिता परमेश्वर जी अब बाकी तरी दाडा का धन्यवाद धन्यवाद हो हफ्ते का पहला दिन दिखाया हमने हजूर की स्लैंड अंदर भागन का मौका दिता हमने रोका ना मिलाया पिता परमेश्वर जी दाडा का धन्यवाद हो बीते दिन अच्छे संभाल रखा साड़ी हर एक जरूरत ने पूरा किया प्रभु जी दाडा का धन्यवाद हो किसी सानू कभी भी निराश नहीं होने दिता प्रभु जी साड़िया दुआवां नु सुनया साडा विश्वास नु होर मजबूत किया प्रभु जी दाडा का धन्यवाद हो आने वाले दिन भी संभाले रखना प्रभु जी हर एक जरूरत ने पूरा करना मोहता अपने ही वफादार रखना प्रभु जी स्वर्ग राज वास्ते तैयार करना साढ़े हर एक व्यक्ति गुनाह नु माफ करना प्रभु जी दाडा का धन्यवाद हो साढ़े जीवन च बड़े बड़े चमत्कार काम करो प्रभु जी दाडे ही नाम की महिमा करने वाले हो जाइए दुआ करो हर जीवन दो प्रभु जी बाइबल पढ़ने वाला जीवन दो प्रभु जी दाडा का धन्यवाद दाडा का धन्यवाद दित्या सारिया की आशीषा वास्ते प्रभु जी दाडा का धन्यवाद हो आज के दिन वास्ते धन्यवाद दाडा का धन्यवाद हो संभाले रखा राम पसंद किया प्रभु जी दाडा का धन्यवाद हो महिमा सदा दाडे ही नाम नु मिले प्रभु जी हिंदुस्तान देश के दया करना इसराइली लोगों ले यहूदी लोगों ने दया करना अपने नाम दी महिमा करना प्रभु जी दाडा का धन्यवाद हो दाडा ही नाम उच्चाए प्रभु जी दाडा का धन्यवाद हो साडे पास्टर जी ते भी दया करना उन्हां नु भी उम्र लंबी देना प्रभु जी दाडा का धन्यवाद हो आई हुई कलीसिया ते भी दया करना उन्हां दी जरूरतां नु पूरा करना उन्हां दे जीवनां च बंधनां नु तोड़ दो प्रभु जी दाडा का धन्यवाद हो साडे सारिआं दी दुआ नु सुनो मेरी की छोटी प्यारी दुआ नु सुनो ते कबूल करो मांगदे आं मैं प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम च आमीन सारे कबूल प्रभु यीशु मसीह दी कृपा ते दा परमेश्वर दा प्रेम बहुत नाम और इस सफर इस कलीसिया नाल दुनिया भर दे सारे संतों मानो और सब लोगों नाल प्रभु यीशु मसीह के खून के फिरके लोगों नाल इजराइल देश नाल यहूदी लोगों नाल यरूशलेम के लोगों नाल चमत्कार च दे लोगों नाल अंदर साडे सामने रहो वो तेरे कमीश बचा रखो मेरे आमीन सलाम का कबूल आमीन हालेलुया हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जो जिंदा सब विच साडे विच कार नहीं पंद्रह विच जल्दी आवा सारे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के सो अगले सोमवार तक